लोगों को नए से देखो, लोगों में नयापन देखो। क्या होता है कि हमारा जो हमारे जो आवाज अंदर से चल रहा है, छोटी आवाज चल रही है, वो छोटी आवाज अपने जीवन का हर पार्ट जो है वो पार्ट को कलर देते रहती है, वो पार्ट को इन्फ्लुएंस करते रहती है, वो पार्ट के ऊपर प्रभाव डालते रहती है। कोई व्यक्ति अपने सामने आता है तो ऑलरेडी मेरे दिमाग में उसके बारे में कुछ तो भी चिक 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 चालू हो जाती है। उसने मुंह खोलने के पहले ही मुझे मालूम है कि वो क्या बोलने वाला है। सास सामने आ गई तो बहू को मालूम है कि ये क्या बोलने वाली है, या बहू सामने आ गई सास को मालूम है कि ये बहू क्या बोलने वाली है। तो ये जो है, ये मैंने आपको पहले कुछ वीडियोस में बताया कि मैं ऐसी जिंदगी जियो कि वो व्यक्ति, हर व्यक्ति आपके सामने जो आ रहा है, आपका जो परिचित है, वो व्यक्ति को नए सिरे से देखो। ऐसा देखो कि वो व्यक्ति आपके सामने पहली बार आया हुआ है, ना कि उसको अतीत से, भूतकाल से कलर देके देखो। और फिर देखो उसमें आपको क्या नई चीजें दिखाई देती है, क्या नयापन दिखाया जाता है, कौन सी नई बात आपको दिखाई दी। क्योंकि आप जब नए सिरे से दिखेंगे उसको, तो आपको एक नया आदमी वो दिखेगा कि जो कुछ भी कर सकता है। दूसरा, मैंने इसके पहले ये भी बताया, कुछ वीडियोज आपने सुने होंगे तो, कि हम अंदर के जो चालू रहता है कि ये ऐसा है वैसा है, ये करेगा वो करेगा, ये मुझे डांटेगा क्या, ये मुझे गुस्सा करेगा क्या, ये मेरा अपमान करेगा क्या, ये मुझे कम समझेगा क्या, मेरा मुझे भाव देगा नहीं, मेरी तारीफ नहीं करूँगा, मुझे नीचा गिरा देगा, जो भी है वो, तो हम क्या करते हैं कि हम जो भी मन में आ रहा है वो बोलते नहीं है, जो लगता है वो बोलते नहीं है, जो मुझे एक्सप्रेस करना है वो करते नहीं है। क्यों? कि मुझे लगता है कि भाई मैं ऐसा करूँगा तो वो क्या कहेगा। मैंने ये भी पहले बोला था कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, या लोग क्या कहेंगे, LKK सिंड्रोम। तो फिर होता क्या है कि मैं बोलता भी नहीं हूँ जो मुझे बोलना है। मैंने आपको पहले कुछ वीडियोज में बोला है कि भाई देखो कि आप यदि सीधी बात करते हैं किसके साथ में, तो आपको कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, पड़ी होंगी उसकी। हो सकता है कि आपको कीमत चुकानी पड़ी होंगी, हो सकता है कि वो टाइम बीइंग आपको नुकसान भी हो गया होगा, हो सकता है कि आपके ऊपर सामने वाला गुस्सा भी हो गया होगा, नाराज हो गया होगा, जो भी कहे। मगर यदि आप नम्रता से, अहंकार न लाते हुए उसको सॉरी बोलते हैं, प्लीज़ बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, मैं नहीं कर सकूंगा, आप बुरा तो नहीं मानेंगे, जो भी आपको बोलना है वो थैंक यू, प्लीज़, सॉरी, नम्रता से आप बोलते हैं, तो आपने बोली हुई कोई भी चीज़ उसको बुरी लगेगी नहीं। मगर तभी भी किसको बुरी लगी होंगी, तो वो देखो कि आपको ऐसा कहाँ कहाँ हुआ कि आपने इसको कुछ कहा और आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ी, कुछ तो भी उसकी पनिशमेंट आपको देनी पड़ी। जैसा मैं एक बस में सफ़र कर रहा था, ट्रैवल्स की बस थी, मैं जैसा पूना जा रहा था, तो मुझे पूना के पहले ही स्टॉप पे उतरना था। यूजुअली वहाँ ऑन रिक्वेस्ट वो ट्रैवल की बस रुक जाती है, मगर पूना के पहले एक 100 किलोमीटर, पूना आने के पहले 100 किलोमीटर वो ड्राइवर फ़ोन पे बात कर रहा था। मैं पहले सीट पर बैठा हुआ था, तो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, ड्राइवर साहब आप फ़ोन पे बात कर रहे, गाड़ी भी बहुत तेज़ चला रहे, तो मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है कि आप फ़ोन पे बात मत करो। उसको बहुत गुस्सा आ गया, ठीक है बोले, उसने फ़ोन रख दिया। जब मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि भाई अभी यहाँ मुझे उतरना है, यहाँ बस रुका दो, बोले यहाँ रुकती नहीं। तो फिर मैंने जो अच्छा दिखना चाहिए, बुरा नहीं दिखना चाहिए, उसकी चिंता न करते हुए स्ट्रेट उसको बोला कि भाई फ़ोन रख दो, फ़ोन मत करो। तो उसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ी। कैसी? कि उसने वहाँ बस रुका ही नहीं, मुझे बहुत दूर तक जाना पड़ा और जहाँ उसका स्टॉप था वहाँ मुझे उतरना पड़ा। तो ऐसा होता है, मगर मैं मुझे जो ज़िंदगी अच्छी लगती है वो जीता हूँ, ना कि लोगों को क्या अच्छा लगता है वो जी रहा हूँ। तो इस तरह की आप ज़िंदगी जिएंगे और आपकी जो छोटी आवाज़ है, चिक 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 चिक, काओ 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 काओ, चटर 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 चटर, जो चालू है अंदर, इतना चालू है वो कि आपको किसी को सुनाने का है ना, तो सुन भी नहीं पाएगा। आपने यदि माइक्रोफोन अंदर डाल दिया ना, लोग हैरान हो जाएंगे कि तुम उनके बारे में इतना बुरा बुरा सोच रहे, इतना बुरा बुरा बोल रहे, इतना डर रहे, उनको लोग हैरान हो जाएंगे। जो भी है वो बोलो, मस्त रहो, मजे में रहो, मजा आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।